अस्सलाम वालेकुम, मैं दुर्दाना हूँ, शेख अब्दुल करीम की पोत्री, शेख अब्दुल अली की बेटी हूँ मैं। हमारी ज़मीन राजरा में है, लोसरा मंडल निर्मल डिस्ट्रिक्ट में आता। वो हमारे चिचानू है, शेख मुखीम है, शेख रहीम है, हमारे वालिद साहब बड़े हैं। फिर हम लोग जायदाद के बारे में दस कितने बार गए, कम से कम हर साल जाते गए। ज़मीन बोलते हुए हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, फिर बड़े भाई का इंतकाल होगा, बहनोई साहब का इंतकाल होगा, फिर भी लोग हम लोग हमारी ज़मीन हमारा को आदमी तो कल आती ना बोल के हम लोग खामोश बैठ गए। फिर भी हमारा को कुछ इतला नहीं दिए। फिर हम ज़मीन के बारे में गए तो कुछ आवाज़ नहीं करते, कुछ नहीं करते। आप लोगों की ज़मीन है भाई, हम लोग हाथ में पकड़ ले के बैठे क्या, आओ कर लो जाओ बोलते, कर लो जाओ। वो तो हमारे जो वालिद साहब दिए थे, दादा हजरत पेपर दिए थे, वो हमारा को दिए। फिर भी हम लोग दादा हजरत को बताए पेपर तो ठीक है, मैं 11 एकड़ आप लोगों को लिख के दे दिया बोले। 11 एकड़ लिख के देने के बाद चलो हमारे चीचा उन्हों छे ना बोल के हम लोग खामोश बैठे। आज तक हमारा को ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, क्या भी नहीं है। हम लोग घर से बेघर हो गए। हमारा भाई एक हैंडकैप है, उनको माजूर 3 बच्चियां हैं, घर से बेघर हो गए। हमारे नानी का भी हक नहीं है, हमारे को किसी का हक नहीं दिए भाई। हमारे को आज हम हक के बारे में बोल रहे। हम रेवंत रेड्डी से भी गुजारिश कर रहे भाई, हुकूमत के बारे में हमारे को क्या है बोले तो, हमारी हमारी ज़मीन रहते पर हम ऐसे हालत कहीं को उठाना। हमारे वालिद साहब रख के गए, हमारे दादा हजरत रख के गए, इन्हों देने वाले फिर भी अभी भी नहीं दे रहे भाई। हम कब तक खामोश बैठना, घर पूरा खाली हो जा रहा है, के से सब इंतकाल हो जा रहा। अब हम लोग है बहना भाया तो रह के भी नहीं है, जैसे हो गए आए तो कुछ ना कुछ हो रहा। इसलिए हम लोग बहना हम लोग वालिद हम लोग वालदा उन्हों हम इकट्ठा होकर हम यहाँ पे बात करना आए। इसलिए आप लोग हुकूमत से कुछ ना कुछ गुजारिश कर रहे, हम लोग आप इतला कर रहे, हम लोग आपको रेवंत रेड्डी साहब अब हुकूमत के जरिए कुछ ना कुछ आप हमारे लिए मदद करना आप। और ये जो है जमीन के बारे में, हम लोग 3 साल हम लोग फसल उगाए सो है। हमारे वालिद साहब हम लोग गए, हमारे वालिद साहब हमारी जमीन में हमारे दादा हजरत की मकबरा भी बनाए सो है ऑलरेडी। उनके जमीन में नहीं बनाए, हमारे जमीन में हम खुद बनाए सो। फिर हम ये सौंप करते पर हमारी जमीन क्यों नहीं दे रहे भाई, हम क्या करना। हद से ज्यादा हो गया, हर जगह हम लोग एप्लीकेशन आ दिए, कोर्ट से आओ बोले, वो बोले, स्टे ऑर्डर दिए, इंजेक्शन ऑर्डर बोले। फिर वजह क्या है, क्या बोलना, हम किसके पास जाना, किसके जरिए होके जाना हम लोग। नहीं भाई, हमारी जमीन हमारा को होना, कुछ भी बहरहाल क्या भी करो, अब तक हम लोग खामोश बैठे, हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं है। हमारे 11 एकड़ वाले हमारे दादा हजरत हमारे 11 एकड़ दिए, हमारी 11 एकड़ जमीन हमारा को होना। हमारे भाया घर से बेघर हो गए, आज हमारा भाई माजूर होके फिर रहे, दर दर भटक रहे, खाने पीने हमको बहुत मुश्किल हो जा रही। कमाएंगे तो खाएंगे हम, जब तक नहीं है हमारे को दाना पानी कौन डाल रहे भाई। तुम लोग सालों के लंबन बकरे आ रहे तो हमारे भी खा जा रहे, तुम लोग बकरे महीने को महीने साल में 3 बकरे देते, हमारे जमीन के भी आ जा रहे सो ले ले रहे, आप लोगों का भी खा ले रहे, सब खा ले रहे। आपके शादियों में आपके बच्चों की शादियों में एक एक प्लाट लिख के दे रहे। हम क्या, हम रह के भी नहीं है सर के, हम हमारे बहनों की शादियों में कुछ दे नहीं सक रहे। हम किसके जरिए जाना, हम किसको बोलना भाई। चाचा उन पे भरोसा था, चाचा उन्होंने भी अब नहीं रहे हैं तो हम किसके जरिए बोलना, वो हमारी मजबूरी कौन सुनेंगे। हमारे फूफाओं को भी हक नहीं दिया, लोगों भी हद से ज्यादा बोल दिया, वो किसी का सामना नहीं हो रहा उनसे। 20-25 साल से देख रहे हम लोग हमारी जमीन के बारे में, हर जगह हम लोग जाके एप्लीकेशन भी दे के आए मगर कोई भी कुछ नहीं कर रहे। मगर अब तो हम खामोश बैठने वाले नहीं है, हुकूमत के जरिए हमारे हमारी जमीन होना लाजमी है, नहीं तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। जमीन है हमारी, वहां पे भूख हड़ताल के साथ सबको बेवाया को यतीमाओं को लाके जो करना है हम फैसला करेंगे, नहीं तो वहां पे जल के राख होके मरेंगे हम लोग। हमारे भाई का पूरे भाईना के भाया के बच्चे हम लोग सब बैठेंगे, भाई रह के भी नहीं आए सर के, क्यों बोलते ना माजूर हो गए, छोटे छोटे बच्चे है भाई, उनको कमा के लाए तो बीड़ी बनाए तो जीना है उनके घर में, नहीं तो कुछ नहीं है। एक पर का माजूर है, उन्हों कमाए तो है नहीं तो नहीं। माँ तो हमारे वालिद साहब का जो नाम रोशन है, दादा साहब का नाम रोशन है, वो हमारे पास कुछ नहीं है। हम कैसा जीना भाई, मर मिट हो जा रहे हम। हमारी जमीन रहते पर भी हम रह के भी नहीं है जैसा हो जा रहा हम। माँ को हम किसके जरिए बोलना, हम को हमारा हक हम को होना। अगर से नहीं बोलते तो हम वहां पे कुंटे में आके कुछ ना कुछ करेंगे, इसके जिम्मेदार हम बोल देंगे रेवंत रेड्डी को, जो भी करना है फैसला रेवंत रेड्डी करेंगे। बस हम तो हद से ज्यादा बर्दाश्त की बेक होती भाई, चिच्चानो है बोल के खामोश बैठे। आज तक हम आपको कुछ लफ्ज नहीं बोल रहे लोग, हाँ आज देते कल देते, आज देते कल देते बोल रहे। जमीन हाथ में पकड़ने के बैठे क्या बोल रहे, पकड़ने की चीज तो नहीं है। फिर हमारा हक हम आपको होना नहीं होना, हमारा हक होना खत्म। हमारे भाई हद से ज्यादा परेशान है, हमारे नानी का भी हक नहीं आया, हमारे फूफाओं का नहीं आया, हमारा भी नहीं आया।
आज वो है खगड़ से कुछ ना कुछ मिलता तो हमारा भाई आज भी तुम्हारे बेटों के जैसे रहते। हमारे चिचेरे भाइया आज भाइनों के एक एक शादी में एक एक कर लिख के दे रहे, भाई हम रह के भी नहीं है, मामूली से कूलर नहीं दे सक रहे हम लोग, करंट बिल नहीं बन रहे हम लोग, कोई सी चीज हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग ये कुछ नहीं कर रहे। अगर से हमारी बात आप लोग करना चाह रहे, हुकूमत से गुजारिश है हम लोग हमारी ये करना चाह रहे तो अच्छी बात है, अगर से नहीं बोलते तो ये पूरा परिवार हम लोग आके राजरा मंडल रोसरा निजामा डिस्ट्रिक्ट निर्मल डिस्ट्रिक्ट में हम कुछ ना कुछ हमारे जाना ले लेंगे खत्म। रहीम मुखीम रहेंगे। रहीम और मुखीम